भोपाल में 5 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या का मामला और पुलिस ने हत्या समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। बहन और मां को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी पुलिस। तो देखिए, तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट के द्वारा यहां पे तीनों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, तीनों आरोपियों को भोपाल में जिस तरीके से मासूम के साथ विभत्स इस घटना को अंजाम दिया गया, तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, कब से ये पूछताछ शुरू होगी? देखिए दीपिका, पूरे मामले में गहरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल देर शाम को आरोपियों को ना सिर्फ कोर्ट में पेश कर दिया गया, बल्कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आईओ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो भी कोर्ट में मौजूद थे। और जब पूरे मामले की सुनवाई हुई तो उसमें ये बताया गया है पुलिस के द्वारा कि इन्होंने किस तरीके का अपराध किया है और इन आरोपियों पर बहुत संगीन अपराध की धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं खासतौर पर। तो यही कारण रहा कि कोर्ट ने तीनों को लेकर जो है 3 दिन की रिमांड दी है। 3 दिन के बाद ये रिमांड और आगे बढ़ सकती है। मामले में जो 2 अन्य आरोपी हैं, एक अतुल नहार है जो जिसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया है, उसके अलावा 2 जो आरोपी की माँ और बहन है उनको लेकर भी जो है पुलिस पूछताछ करना चाहती है। दोनों को आमने सामने बिठाकर पुलिस पूछताछ करेगी। इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसमें खासतौर पर महिला ने जिस तरीके से इस पूरी बातों को छुपाए रखा, जो आरोपी की बहन है, जो आरोपी की माँ है, उसने इस पूरे मामले को क्यों छुपाए रखा, क्या वजह थी, और हत्या के पीछे, दुष्कर्म और हत्या के पीछे क्या और भी कोई कारण थे, क्या पहले भी आरोपी किसी तरीके की और वारदातों का अंजाम दे चुका है, क्योंकि आरोपी का एक पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है। खरगोन का रहने वाला अतुल इसके पहले भी छेड़छाड़ के मामले में खरगोन में उसके ऊपर एक मामला दर्ज है, और इसके अलावा पुलिस ने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाली है। तो पूरी प्रोफाइल में, जो फेसबुक प्रोफाइल है, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्क्रॉल करते हुए पुलिस ने देखा तो कई महिलाओं की तस्वीरें थी, अलग अलग महिलाओं की वो तस्वीरें क्लिक कर लिया करता था सड़क पे जाते हुए, अपने फेसबुक अकाउंट पर उसको डाल दिया करता था। तो पुलिस इसके ऊपर कई सारे एंगल से जांच कर रही है, क्या पहले भी किसी के साथ अतुल ने इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है या सिर्फ यही एक मामला है। ये कई पहलू हैं जिन पर अभी जो है पुलिस जांच कर रही है, और आरोपी से जब 3 दिन की रिमांड मिली है उसे लेकर भोपाल जिला कोर्ट के द्वारा, तो इसमें 3 दिन जो है उससे ना सिर्फ पूछताछ की जाएगी बल्कि उसकी जो माँ और बहन है उनसे भी पूछताछ की जाएगी और अपराध के कारणों और अपराध की परिस्थितियों और स्थितियों के बारे में जाना जाएगा। तो कुल मिलाकर इन 3 दिनों की पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए दोनों ही खबरों पर अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।